सर्जरी और पैथोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थायराइड के नियोप्लेसिया के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये सर्जरी और पैथोलॉजी दोनों ही जगहों पर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा पैथोलॉजी को एक्सपैंड कर देते हैं तो ये सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान देना है पैथोलॉजी और सर्जरी पे कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, और बेसिक फैक्ट्स को समझने के लिए जिसके बेसिक फैक्ट्स हैं उनको जानने के लिए हमें थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर और पैरा फॉलिकुलर सेल्स के स्ट्रक्चर के लेवल पर जाकर के फोकस करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो फोकस करना है वो यहाँ जो फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं उनके बारे में आपको ध्यान देना होगा। फॉलिकल्स इसी नियोप्लेजिया के टॉपिक में आप देखेंगे, ये फिजियोलॉजी में जो हमने पढ़ रखा है, हिस्टोलॉजी में जो पढ़ रखा है, इसी फॉलिकल का शेप बिगड़ेगा, या तो फॉलिकल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। हम ऐसा देखेंगे यहाँ पर जब भी हम न्यूप्लेजिया को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे या तो फॉलिकल का शेप मोर और लेस एक जैसा बना रहेगा, नंबर बढ़ जाएगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी होता है कि यह अपने शेप को भी बिगाड़ देगा। जैसा आप राउंड राउंड से इस फॉलिकल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ऐसा ना हो करके ये कुछ इस तरीके से अपने शेप बिगाड़ देगा, पैपिला के जैसा फिंगर लाइक अपने शेप को बना देगा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आने लगते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि इसकी संख्या बढ़े, फॉलिकल्स कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि इसके शेप भी बिगड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा। और जब फॉलिकल की संख्या पर ज्यादा फर्क पड़ता है और संख्या के साथ अगर शेप भी बिगड़ता है तो पैपिलरी कार्सिनोमा की बात हम करते हैं। यहीं पर एक और कैंसर के बारे में हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो चीज यहीं पर आप देखें, पैरा फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स से भी अगर इनके संख्या रिलेटिवली बहुत बढ़ने लगेगी तो यहां पर एक कैंसर इसकी वजह से भी होगा जिसे हम मेडुलरी कार्सिनोमा कहते हैं। तो अगर पैरा फॉलिकुलर सेल्स के लेवल पर कोई ट्यूमर डेवलप होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा हम कहते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए मेडुलरी कार्सिनोमा क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस टॉपिक को अगर सीखना है तो आप शुरू से हर एक पॉइंट को रिकॉल करते हुए चलेंगे तभी समझ पाएंगे। यहां पर जो एक फॉलिकल सेल को दिखाने की कोशिश की गई है, ये फॉलिकल सेल्स जो आपको दिखाए गए हैं यही क्या करते हैं, T4 की सिंथेसिस करते हैं। इनके भीतर T4 की जब सिंथेसिस होती है तो यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। तो इसीलिए अभी जो पहले हम स्टडी कर चुके हैं थायरोग्लोबुलिन, इसके पहले के लेक्चर में जो हम लोगों ने बात डिस्कस किया है थायरोग्लोबुलिन का कैसे फॉर्मेशन होता है और उसके बाद टायरोसिन के साथ जुड़ करके ये कैसे T4 के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स, इनके बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर फॉलिकल के सेल्स का नंबर बढ़ेगा, न्यूप्लेजिया में क्या होगा, फॉलिकल के सेल्स का नंबर बढ़ता है, अगर सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो थायरोग्लोबुलिन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो थायरोग्लोबुलिन को आप एक तरीके से ट्यूमर मार्कर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्सिनोमा में जो फॉलिकल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कैंसर्स हैं, जो भी ट्यूमर है या जो भी न्यूप्लेसिया है, वो जो फॉलिकल के नंबर को बढ़ाएगा उसके लेवल पर आप देखेंगे थायरोग्लोबुलिन को आप ट्यूमर मार्कर के रूप में देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए पैरा फॉलिकुलर सेल्स जिनके बारे में हम कह रहे हैं, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कैल्सिटोनिन के लिए। तो अगर हमें कोई ऐसा ट्यूमर जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जिसका हम नाम जानते हैं वो पैरा फॉलिकुलर सेल्स के नंबर को बढ़ा देता है तो वहां पर कैल्सिटोनिन का लेवल रेज कर जाता है। तो आप ट्यूमर मार्कर के रूप में मेडुलरी कार्सिनोमा जहां पैरा फॉलिकुलर सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वहां पर ट्यूमर मार्कर के रूप में क्या सोचेंगे, कैल्सिटोनिन के लेवल को सोचेंगे। तो अभी तक मैंने आपको रिकॉल कराने की कोशिश की जो हमारी प्रीवियस स्टडी थी उसी को आगे एक्सपैंड करेंगे तो हम न्यूप्लेजिया के बारे में पढ़ सकते हैं। न्यूप्लेजिया भी दो तरीके की होती है, कौन सी आप जानते भी हैं, एक बिनाइन नेचर की होती है और दूसरा मैलिग्नेंट नेचर की होती है। बिनाइन जिसमें लोकलाइज्ड होगा, ट्यूमर ग्रो कर रहा है लेकिन इनकैप्सुलेटेड होगा, आप जानते हैं ना न्यूप्लेजिया जो पैथोलॉजी का टॉपिक है उसमें हम बिनाइन ट्यूमर के बारे में क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड होता है, सेल्स अभी अपने ओरिजिनल जो एक्टिविटीज होते हैं उनको प्रिजर्व किए रहते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, मैलिग्नेंट में काफी हद तक वो डिस्टार्टेड होते हैं और जो भी कैप्सूल्स होते हैं या जो भी उनकी बाउंड्री वॉल होती है उनको इन्वेड करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर हम थायराइड के लेवल पर देखें तो प्राइमरी लेवल का होता है और कुछ बहुत कम सेकेंडरी लेवल के भी मिल सकते हैं। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी का मतलब वो ट्यूमर जो थायराइड ग्लैंड में ही मैलिग्नेंसी के साथ डेवलप कर रहा है। दूसरा सेकेंडरी लेवल का क्या होगा, सेकेंडरी लेवल के वो ट्यूमर जो कहीं दूसरे
दूसरी जगह से होंगे, जैसे मेलानोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर के मामले हो गए, उनके मेटास्टेसिस की वजह से थायराइड इन्वॉल्व हो जाए। तो प्राइमरी लोकेशन थायराइड नहीं है, प्राइमरी लोकेशन दूसरा कोई ट्यूमर है और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व होगा तो सेकेंडरी मैलिग्नेंसी कहलाएगी। तो अभी हम जो फोकस करेंगे वो बिनाइन लेवल पर करेंगे, जो फॉलिकुलर एडिनोमा के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद हम मैलिग्नेंट लेवल के कैंसर के बारे में बात करेंगे, वो प्राइमरी नेचर का होगा। इसमें सबसे पहले हम बिनाइन नेचर के ट्यूमर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिनाइन नेचर के ट्यूमर मैंने आपको बताया कि सबसे सिंपल टाइप का इसमें होगा, अभी कैप्सूल के भीतर ये प्रॉपर अपनी लोकेशन पर ही रहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एडिनोमा। क्या फॉलिकुलर एडिनोमा? फॉलिकल्स के नंबर बढ़े हुए होंगे, बाकी सारी चीजें अपने लेवल पर प्रिजर्व्ड रहेंगी, तो ये बिनाइन नेचर का होता है फॉलिकुलर एडिनोमा। इसमें हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है, बहुत ज्यादा चूंकि फॉलिकल्स के नंबर बढ़े हुए होते हैं तो इसलिए हमें हेमीथायरॉयडेक्टोमी इसमें करने की जरूरत होती है। हेमीथायरॉयडेक्टोमी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम करते क्या है वो सारी चीजें अभी हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे। जबकि जब ये मैलिग्नेंट लेवल का हो जाता है तो हमें बहुत एग्रेसिव लेवल पर मैनेज करने की जरूरत होती है। और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो मैलिग्नेंसी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी लेवल की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल यानी जो थायराइड ग्लैंड को इन्वॉल्व करती है, जो फॉलिकुलर सेल्स को इन्वॉल्व करती है, जो ट्यूमर होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था फॉलिकल्स पैराफॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं, फॉलिकल्स के अलावा जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है वहां पर भी एक ट्यूमर इवॉल्व हो सकता है। खैर हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे लेवल पर डिस्कस करना है फॉलिकल और पैराफॉलिकुलर। इसमें फॉलिकुलर जो सेल्स फॉलिकल्स जो हैं उनके लेवल पर जो मैलिग्नेंसी उसमें क्या होता है, अगर डिफरेंशिएटेड है, क्या है डिफरेंशिएटेड है, तो इसमें तीन कैटेगरी आती है, पैपिलरी, फॉलिकुलर और बाकी कुछ अदर नॉन स्पेसिफाइड। ध्यान रखना है कि जो पैपिलरी कार्सिनोमा होता है, यहाँ पर देखिए यही मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर, प्राइमरी थायराइड कैंसर या ओवरऑल भी कहें तो मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर कौन सा होता है, पैपिलरी टाइप का होता है। ये आप देख सकते हैं 70-80%, कुछ मामलों में ये लोग इससे ज्यादा भी देखने को मिलता है कुछ जगहों पर। खैर ये मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉलिकुलर थायराइड कैंसर के बारे में, तो ये क्या होता है सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जो फॉलिकुलर यही जो फॉलिकुलर एडिनोमा होती है, अगर इसका कैप्सूल कैप्सुलर इन्वेजन होना शुरू हो जाए, कैप्सूल के लेवल पर इन्वेड करने लगे, तो जो एडिनोमा है वही एडिनोकार्सिनोमा में बदल जाएगा। ये बात हम नियोप्लेजिया के नॉमनक्लेचर में पढ़ते हैं ना, एडिनोमा क्या हो जाएगा एडिनोकार्सिनोमा में बदल जाएगा, वो बात हमें यहां पर याद करना है। तो फॉलिकुलर सेल के लेवल पर होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन यही होता है। तो अभी डिफरेंशिएटेड के लेवल पर हम लोगों ने देख लिया कि पैपिलरी के लेवल पर आपको ये समझना होगा, ये जो फॉलिकल्स है ना, ये फॉलिकल्स का शेप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जैसा दिखने लगेगा, इस तरीके से हो जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। जबकि फॉलिकुलर में क्या होता है, फॉलिकल ही बने रहेंगे, बस उनकी नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए फॉलिकुलर में शेप मेंटेन रहेगा, संख्या बढ़ जाएगी और इन्वेजन यहां पर देखने को मिलेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभी दोनों जगहों पर जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, दोनों ही जगहों पर जो हमने एग्जाम्पल लिए उसमें क्या था, फॉलिकल आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था, कुछ इस तरीके से था, तो चाहे पैपिलरी टाइप में फॉलिकल का शेप बिगड़ा हुआ हो, लेकिन फॉलिकल आपको दिख रहा था, फॉलिकल जैसा दिख रहा था, ये बात आप समझ पा रहे हैं नहीं, जैसा ये फॉलिकल है वैसा शेप यहाँ पर फॉलिकल का थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है ट्यूमर का जो अनडिफरेंशिएटेड टाइप का हो, अनडिफरेंशिएटेड टाइप का अगर हुआ तो उसको हम एनाप्लास्टिक कहते हैं। एनाप्लास्टिक मतलब ये शेप बहुत स्पष्ट नहीं होगा, अगर शेप स्पष्ट नहीं होगा जाहिर सी बात है ये सबसे मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, तो इसीलिए कहा जाता है सब कुछ लॉजिकल है, ये मोस्ट मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर है। तो यही सारी चीजें अभी मैं एक बार और रिकॉल करूंगा, मोस्ट मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर कौन सा होता है, एनाप्लास्टिक टाइप। आप पैथोलॉजी में न्यूप्लेजिया के टॉपिक को पढ़े हुए हैं, आपको पता ना जब एनाप्लास्टिक चेंजेस होते हैं तो सबसे अनडिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, तो वो मोस्ट मैलिग्नेंट होता है। इसमें एनाप्लास्टिक टाइप में 100% मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, 100% मोर्टैलिटी देखने को मिलती है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने कवर किया उसमें हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फॉलिकुलर सेल्स के लेवल पर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर के बारे में और अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर के बारे में, दो लेवल पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब एक और लेवल बच गया जो मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर होते हैं, इस लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स में एक ट्यूमर डेवलप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे फॉलिकुलर एडिनोमा से, अभी हम बिनाइन ट्यूमर से बात करेंगे, उसके बाद हम मैलिग्नेंसी में चलेंगे, मैलिग्नेंसी में हम फॉलिकल के लेवल पर जाएंगे, उसके बाद हम पैराफॉलिकल के लेवल पर जाएंगे।
तो चलते हैं बिनाइन लेवल पर पहले बात करते हैं, उसके बाद प्राइमरी लेवल पे जितने भी हमने 4-5 जो ट्यूमर के बारे में बात की उस पर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर बिनाइन लेवल पर बात करेंगे। बिनाइन लेवल पर जो मैंने आपको नामन क्लेचर का ट्रिक जो भी आपको याद था वो आपको रिकॉल कराने की कोशिश किया। बिनाइन लेवल पर क्या आप देखते हैं, फॉलिकुलर एडिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा नहीं, एडिनोमा। तो जाहिर सी बात है ये फॉलिकुलर एपिथेलियम से अराइज किया हुआ होगा, और इसके लिए जो भी रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एम्स के क्वेश्चन की मदद से आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट सही हैं? तो इस बात का आंसर देने के लिए आपको न्यूप्लेसिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें याद रखना होगा। ये कैसे होते हैं, ये स्फेरिकल शेप के ही जैसे फॉलिकल्स के शेप होते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको हिस्टोपैथोलॉजी में स्फेरिकल शेप के फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल ये कैप्सूल्स के भीतर ही रहेंगे, वेल इनकैप्सुलेटेड लिजन होगा। ये बात एकदम सही है, एक्सेप्ट पूछा है ना। दो ऑप्शन में अभी देखते हैं, पहला ऑप्शन हमने देखा सॉलिटरी है, स्फेरिकल है, वेल इनकैप्सुलेटेड, जाहिर सी बात है एडिनोमा है तो इनकैप्सुलेटेड होगा ही। हिस्टोलॉजिकली आप देखेंगे कि ये एडिनोमा है, अपने फॉर्म्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लाया होगा, ये यूनिफॉर्मली अपियरिंग फॉलिकल्स की मदद से बना हुआ होगा जिसके भीतर कोलोइड्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओरिजिनल जो इसका फंक्शन है वो करता हुआ रहेगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या होगा। तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं सिस्टिक चेंजेस, हेमरेजिक फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन और हर्दल सेल चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है, हर्दल सेल चेंजेस। हर्दल सेल होता क्या है उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन ये कह रहे हैं वैस्कुलर इन्वेजन यहाँ पर कॉमनली देखने को मिलता है। तो एडिनोमा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वैस्कुलर इन्वेजन नहीं होगा। वैस्कुलर इन्वेजन अगर हो गया तो वो फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा कहलाने लगेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं सही है। अगर ऐसा हो जाएगा तो एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा, फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं एडिनोमा के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉमनक्लेचर का सारा यहाँ आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख पा रहे हैं। इसके अलावा सी ऑप्शन में देखते हैं, ये हर्दल सेल होते क्या है, हर्दल सेल या हर्दल सेल जो भी आप कहते हैं उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा के बारे में बात करेंगे। तो फॉलिकुलर एडिनोमा में थोड़ी कम संख्या में होते हैं, ये थोड़ा सा आप यूं कह सकते हैं कि मेटाप्लास्टिक चेंजेस होते हैं जो फॉलिकुलर सेल्स में देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये इयोसिनोफिलिक सेल्स होते हैं जो आपको पता है ना, कई बार ये होता है स्ट्रेस की कंडीशन में, न्यूप्लेसिया की कंडीशन में सेल्स अपने शेप और कई बार अपने फंक्शन भी बदल देते हैं, तो कुछ उस तरीके के चेंजेस के साथ हर्दल सेल प्रेजेंट करते हैं। इसकी संख्या यहां पर कम होगी, जब हम फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा की बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा होती है। चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कैसा नजर आएगा फॉलिकुलर एडिनोमा। तो जैसा कि ये बिनाइन है तो नॉर्मल ही रहेगा, हालांकि संख्या ज्यादा है सेल्स की तो इसलिए ये कंप्रेस करेगा, थायराइड फॉलिकल्स जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में होंगे। फॉलिकुलर एडिनोमा ये क्या होता है, ये दिखाया गया है कि ये कहां पर है, लोकेशन दिखाने की कोशिश की गई है, कहाँ का सैंपल लिया गया उसके बारे में बता रहे हैं। मेन पॉइंट ये है जो हमारे लिए जरूरी है कि ये वेल डिफरेंशिएशन के साथ मिलेगा, क्यों, क्योंकि बिनाइन है, यानी जो भी सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी रखेंगे, ये क्लोजली रिजेंबल करेंगे नॉर्मल थायराइड टिश्यू के साथ, तो काफी हद तक सेल्स की संख्या ही केवल बढ़ी हुई होगी, बाकी इनमें ओवरऑल ये क्लोजली रिजेंबल करेंगे नॉर्मल थायराइड टिश्यू से। चूंकि एडिनोमा है, बिनाइन ट्यूमर है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एडिनोमा में संख्या सेल्स की बढ़ी हुई होगी और वेरिएबिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, तो इस वेरिएबिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत आप अंतर नॉर्मल टिश्यू से कर पाएंगे। दूसरी बात यह फॉलिकल की संख्या भी बढ़ी हुई होगी क्योंकि ये नॉर्मल से वेरिएशन है, इसलिए चूंकि न्यूप्लास्टिक है इसलिए इसमें वेरिएबिलिटी थोड़ी देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली। और आप देखेंगे चूंकि यह बिनाइन नेचर का है तो इसलिए इतना भी वेरिएशन नहीं शो करेगा, यह संख्या में बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल थायराइड के जैसा ही होगा, यहाँ इन्वेजन का कोई आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वैस्कुलर इन्वेजन नहीं होगा, हर्दल सेल एक मेटाप्लास्टिक चेंजेस होती है जो यहाँ पर देखने को मिलेगी, आगे आप फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा में देखेंगे। फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा में आप देखेंगे वहां पर एक मामला होता है जहां पर हर्दल सेल कुछ ज्यादा ही बनने लगते हैं, इसलिए उसमें एक स्पेशल वेरिएशंस को हम इसी के नाम पर फॉलिकुलर एडिनोकार्सिनोमा का हम वेरिएशन ही ले लेते हैं, तो वो चीज अभी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। हर्दल सेल पे ज्यादा फोकस अभी मत करिए, थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में काफी कुछ बताएंगे। अभी हम एडिनोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी चीज को लेकर के कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। या ओवरऑल अगर हम मैलिग्नेंसी की बात ना करें, मैलिग्नेंसी में सबसे कॉमन कौन सा होता है, पैपिलरी होता है, पैपिलरी आपको बताया था मैंने। लेकिन टोटल अगर आप बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों ही लेवल पर देखेंगे तो मोस्ट कॉमन थायराइड ट्यूमर थायराइड एडिनोमा ही होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मैलिग्नेंसी में केवल देखा जाएगा तो पैपिलरी होगा,
अगर बिनाइन और मैलिग्नेंसी दोनों के लेवल पर देखा जाएगा तो थायराइड का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा होगा? थायराइड एडिनोमा ही होता है, और ये टिपिकली प्रेजेंट होता है यूथायराइड स्टेट में, और यह एक सॉलिटरी कोल्ड नोड्यूल के रूप में देखने को मिलता है। एम्स में एक बार इसी को आधार बनाते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। चूंकि एक बार इस पर आधारित क्वेश्चन, इस लैंग्वेज को आधार बनाते हुए क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें एक बार इसको समझने की जरूरत है। फॉलिकुलर एडिनोमा के बारे में क्या क्या लैंग्वेज के रूप में लिया जा सकता है? तो अगर हिस्टोपैथोलॉजी में जो हिंट देंगे वो बोलेंगे इन कप्स कैप्सुलेटेड है, यानी वो बिनाइन है। उसका हिंट क्या दे रहे हैं? ये बिनाइन नेचर का है। इस तरीके का हिंट वो देंगे बिनाइन नेचर का उसको बताने के लिए। इसके अलावा और क्या होगा? ये कहेंगे नॉर्मल थायराइड टिश्यू के जैसा रिजेंबल कर रहा है। ये भी काफी हद तक हमारे पास हिंट के रूप में मिलेगा। यह कोल्ड नोड्यूल है। यह क्या है? यह कोल्ड नोड्यूल है। इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए कोल्ड नोड्यूल होगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और टिपिकली यूथायराइड स्टेट में रहेगा। तो कैसे हमारे पास पेशेंट आएंगे, इसमें क्लिनिकल हिस्ट्री क्या होगी? तो पेशेंट हमारे पास आते हैं स्वेलिंग के साथ, इसमें टेंडरनेस भी नहीं होता है, दर्द भी नहीं होगा, सॉलिटरी नोड्यूल होंगे, साइज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर के आसपास का है। थायराइड फंक्शन, चूंकि यूथायराइड स्टेट की बात करें, यूथायराइड का मतलब ये कि पेशेंट आया वो सिर्फ उनका कंप्लेन होता है कि मेरे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है, बाकी उसमें कोई और दिक्कत नहीं होती है, उसमें बाकी और कोई क्लिनिकल हिस्ट्री एक्सेप्शनल में नहीं मिलेगी। थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होगा और थायराइड स्कैन पर वो कोल्ड नोड्यूल नजर आते हैं अधिकतर मामलों में। और या ओवरऑल थायराइड ग्लैंड का सबसे कॉमन न्योप्लेजिया माना गया है, ये बात मैंने आपको बता रखा है कि ये मोस्ट कॉमन थायराइड ग्लैंड का न्योप्लेजिया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री में फीमेल को डोमिनेंट करते हुए, फीमेल डोमिनेंसी के साथ इसके बारे में बता सकते हैं। एज जो क्लिनिकल हिस्ट्री में बनाएंगे वो 35-40-50 ईयर्स की फीमेल की हिस्ट्री बनाकर के एम्स में क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। तो जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ा, ये मोस्ट कॉमन थायराइड ट्यूमर ओवरऑल है, ओवरऑल है। अगर मैलिग्नेंसी के लेवल पर कहा जाएगा तो वहां पर चूंकि बिनाइन का ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर मैलिग्नेंसी में पैपिलरी का नाम लेंगे। टिपिकली ये यूथायराइड होता है, सॉलिटरी कोल्ड नोड्यूल होगा, और इसी को आधार बनाते हुए एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है? रेडियो मींस इसमें क्या होता है? रेडियो लेवल्ड आयोडीन को लेने की टेंडेंसी नहीं होती थायराइड स्कैन पर, ये कोल्ड ठंडा पड़ा रहता है। एक चीज और आपको बता दूं, अगर हमारे पास कहीं पर भी किसी हिस्ट्री में कह रहे हैं कोल्ड नोड्यूल कह रहे हैं या हॉट नोड्यूल कह रहे हैं, हॉट नोड्यूल का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे फंक्शनल एडिनोमा भी होते हैं, क्योंकि बॉडी के वेरिएशन में आप ये हमेशा नहीं कह सकते कोल्ड ही होगा, लेकिन अधिकतर मामलों में कोल्ड होते हैं फॉलिकुलर एडिनोमा। लेकिन अगर ऐसा है तो कई बार वो फंक्शनिंग वाला भी हो सकता है। अगर फंक्शनिंग वाला होगा तो उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। जहां एडिनोमा कोल्ड होता है ना, जहां कोल्ड होता है वो नॉन फंक्शनिंग एक्चुअल में होता है, और इस टाइप के मामलों में 25% तक मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं। हालांकि मैलिग्नेंसी के चांसेस कोल्ड नोड्यूल में भी कम होता है, लेकिन मिलता कंपैरेटिवली ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और है, कोल्ड नोड्यूल अगर आपने थायराइड स्कैन पर देखा तो एक तो यह एडिनोमा हो सकता है जो नॉन फंक्शनिंग है, और क्या हो सकता है? थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो, थायराइड ग्लैंड में कोई सिस्ट हो, थायराइड ग्लैंड फाइब्रोज्ड हो गया हो, इसलिए वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सिस्ट की वजह से फाइब्रोज्ड हो गया है, या फिर बहुत सारे, अभी तो हम सॉलिटरी नोड्यूल के बारे में बोल रहे थे ना, कई बार ये होता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर जैसे मामले हो सकते हैं। ये भी हो सकता है जो मैंने आपसे कहा, जो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर मैलिग्नेंसी भी हो सकता है, तो मैलिग्नेंसी के कारणों को भी हम यहाँ पर रिलेट करके सोच सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें देखना होगा। तो मैलिग्नेंसी के चांसेस जब होते हैं तो उस समय ये कैसा होगा? ये कोल्ड नोड्यूल के रूप में मिलता है। जब हम सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल की बात करेंगे तो उस समय हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जो हॉट नोड्यूल होता है अधिकतर मामलों में फंक्शनिंग एडिनोमा की वजह से होता है, और एक तरीका ये भी हो सकता है थायराइडाइटिस, यानी थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है, तो कई बार वो हाइपर फंक्शन के साथ दिखता है, कई बार वो हाइपर फंक्शन के साथ नहीं दिखता है। तो अगर फंक्शन के साथ नहीं दिखेगा तो कोल्ड नोड्यूल, फंक्शन के साथ दिखेगा तो इन्फ्लामेशन के साथ दिखेगा हॉट नोड्यूल। तो अभी हम कोल्ड नोड्यूल के अधिकतर मामलों पर ही फोकस करते हुए अपनी बात कहेंगे। जैसे मान लीजिए केस हिस्ट्री दिया गया 35 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि नेक में स्वेलिंग के साथ आती है, 2 महीने की शॉर्ट हिस्ट्री है, और जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो एक सॉलिटरी नोड्यूल दिख रहा है जो कि दर्द भी नहीं हो रहा है, उसे नॉन टेंडर है, ये बात भी मैंने आपको बताया, पेन नहीं होगा। जबकि आगे मैं आपको बताऊंगा सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस के मामलों में क्या होता है, टेंडर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है, वहां पर सॉलिटरी ही नोड्यूल होगा लेकिन पेन के साथ होगा। साइज आप देखें 2 सेंटीमीटर का है, नॉन टेंडर है, और एक और हिंट हमें मिल रहा है, डायमीटर इसका आपको मिल गया, थायराइड फंक्शन उस समय जो भी आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन में वो भी नॉर्मल, डॉक्टर बता जब वो चेक करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट कराने पर थायराइड फंक्शन नॉर्मल मिल रहा है, और यहां पर कोल्ड नोड्यूल है इस बारे में भी आइडिया लग रहा है क्योंकि आयोडीन 123 थायराइड स्कैन पर, थायराइड सेंटे स्कैन पर उसने
बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा है, यानी वो नॉन फंक्शनल है यानी कोल्ड नोड्यूल है। अब हमें देखना होगा कि इसमें किस तरीके की चीजें पॉसिबल हैं। तो चूंकि इसने कह दिया कोल्ड नोड्यूल है, थायराइड फंक्शन नॉर्मल है और नॉन टेंडर है, तो इतने पर अगर आपको डायग्नोसिस बनाना है तो आप सोच सकते हैं, आप बना सकते हैं इस चीज को सोच करके, थायराइड एडिनोमा को सोच करके आप इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि मैलिग्नेंसी के लेवल पर भी कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो ओवरऑल यहाँ मैलिग्नेंसी के मामले कम होंगे। अगर आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे? आप फोकस करेंगे थायराइड एडिनोमा की, क्यों? क्योंकि थायराइड फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल है और इस आधार पर आप वहाँ पर बनाएंगे। अब चलते हैं मैलिग्नेंसी के बारे में बात करते हैं। मैलिग्नेंसी के लेवल पर मैंने आपको दो तरीके के थायराइड ट्यूमर के बारे में बताया था, कौन कौन से? प्राइमरी मैलिग्नेंसी और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। इसमें कौन कौन सा होता है? मैंने आपको बताया प्राइमरी मैलिग्नेंसी के लेवल पर थायराइड ग्लैंड के अपने कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा। तो मैंने इसके अलावा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये शुरू में ही हमने बात कर लिया था, और एक और होता है लिम्फोमा, ये बहुत रेयर है। मैंने ये भी बताया कि पैपिलरी और फॉलिकुलर, ये फॉलिकल सेल्स के वेरिएशन है। ये एनाप्लास्टिक में फॉलिकल ही होगा लेकिन डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, डिफरेंशिएशन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या, मेडुलरी में क्या पैरा फॉलिकुलर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बात हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। बाकी सेकेंडरी मैलिग्नेंट में मैंने आपको बताया ब्रेस्ट कैंसर में या मेलानोमा के मामले में या रीनल सेल कार्सिनोमा के मामले में, वहां से ट्यूमर आकर के बहता हो, मींस वहां से मेटास्टेसिस करके थायराइड को इन्वॉल्व कर ले, तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम सेकेंडरी मैलिग्नेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की।